जाके करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अहमदाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, अहमदाबाद के जालीवाली में निकाला गया जुलूस, ये वो है जहां पर नेतन्याहू साल 2018 में आए थे, इसी के बाहर धरना दिया गया था जिसमें पुलिस के बल का प्रयोग करके सिटी प्रेसिडेंट दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे लोगों के हाथ में काले पोस्टर देखे गए और साथ ही इन पोस्टरों में लिखा हुआ था कि मासूम बच्चों की हत्या करना बंद करें। तो भी हमारे वहां पे ट्रीटमेंट करवाई और वहां पे जो हमला हुआ है उसकी वजह से हमने धरना किया था। और आप देख सकते हो कि यहां पे अहमदाबाद के अंदर जब भी हमारी मजलिस आवाज उठाती है तब कुछ ना कुछ हमारे पे ही एक्शन करती है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है, जब भी हम एक्शन लेते तब हमारे पे ही क्यों, जब भी हम लोग कुछ करना चाहते तो हमको ही क्यों रोका जाता है। आप देख सकते हो कि कल पालड़ी रिसार के अंदर भी वहां पे भी इन लोगों ने धरना किया था, वहां कुछ नहीं हुआ, पर जब मजलिस आवाज उठाती है तब आके हमको डिटेन कर दिया जाता है। आज हमारे सदर साहब हमारे यहाँ पे साबिर भाई काबलीवाला से लेके हमारे पूरी टीम को इन लोगों ने डिटेन कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो आवाज उठाई थी, और हम लोग जब भी आवाज उठाते हैं तो हमको ही दबाया जाता है, क्यों? ये हमारा सवाल है सरकार को। और हम मीम पार्टी जब भी आवाज उठाती तो हमारे ऊपर ही एक्शन क्यों लिया जाता है? तो हम आप पब्लिक से इंसाफ मांग रहे हैं कि हम लोग जब आवाज उठाते तो हमको सपोर्ट कीजिए, हम आवाज उठाते तो क्यों हमारी आवाज को दबाया जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कानून के दायरे में रहकर अपने प्रदर्शन की मांग रखी थी और उस मांग के मातहत जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसको फॉलो किया गया। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए जिस तरह दोहरे मापदंड हमें गुजरात में नजर आते हैं। कल पालड़ी में इसराइल के समर्थन में अगर प्रोग्राम हुआ है तो वहाँ परमिशन मिली है, वहाँ किसी तरीके का कोई अटेंशन, पूरा अटेंशन है, डिटेंशन नहीं है। और हमने प्रोसेस किया तो हमें एक नए नए बहानों के साथ पेशकश की गई, बिल्कुल शांतिपूर्वक हमने आज जालीवाली मस्जिद अहमदाबाद में प्रोग्राम आयोजन किया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बर्बरता के साथ में हमारे लाखों समर्थक जो साबिर काबलीवाला साहब की सदारत के साथ वहाँ मैदान में थे, उन सबको बहुत बर्बर तरीके से उन्होंने भगाया और वो किया है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि देश का संविधान तमाम लोगों के लिए है, इस तरह के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम अपने हक और हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह। कितने लोगों को डिटेंशन किया गया? एक्चुअल में तो हमारे पास जो जानकारी है, हम कारनपुर थाने में थे, इसके अलावा कहाँ कहाँ डिटेंशन किया गया ये अभी हम पार्टी ऑफिस पहुँचेंगे, उसके बाद पता चलेगा। आने वाले समय में इसी तरह से आवाज उठाती रहेगी फिलिस्तीनियों की? अरे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन इन मजलूमों की आवाज बुलंद है और वो आवाज़ें उठाती रहेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम सदा बुलंद करते रहेंगे। मुनाफिकों का काम है मुनाफिकत करना, वो अपने मुनाफिकत से बाज आए ना आए, हम अपना काम करते रहेंगे ईमानदारी के साथ। डिटेल इसलिए कहता, हमने परमिशन लेते लेकिन परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद भी हमने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करना पड़ा इसलिए कि वहाँ पर इसराइल के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर इसराइल जो अपने बच्चों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको रोकने के लिए, और ख़ास तो हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया कि इसराइल जो है उसको आतंकवादी घोषित करे उस पूरा देश को। और आप सब जानते हैं चोरी और सीधा चोरी, इसराइल को प्रसारण किसने दिया था? फिलिस्तीन ने। अब फिलिस्तीन ने प्रसारण किया, धीमे धीमे करके पूरा देश कब्जा कर रहे हैं। तो ये लोग, ये आप सब समझते हैं। और इंडिया गवर्नमेंट जो है ये भी स्टार्टिंग से लेकर आज तक फिलिस्तीन के साथ में थी, और आज की जो गवर्नमेंट जो है, जो भी है, ये आज उसको भी इसराइल को सपोर्ट करिए, ये अच्छी बात नहीं है। अपना देश का एक मैसेज बहुत गलत जा रहा है। तो मैं खास अपने बड़ा प्रधान को ही बोलूँगा कि आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करें, वहाँ पर जो भी बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकवाए और इसराइल को आतंकवादी घोषित करें, ऐसी हमारी डिमांड है। कल पालड़ी में इसराइल को सपोर्ट करने वाले भी प्रदर्शन करा था, उनको डिटेन नहीं किया गया? हाँ, ये बात मुझे पता चला कि उनको डिटेन नहीं किया, क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट किया, हमने आज फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। तो ये दो मुका सांप है, ये कि ये गवर्नमेंट भी अपने इसराइल को सपोर्ट करती है, नहीं करना चाहिए। और जो अपने जो बच्चों के ऊपर जो अत्याचार है उसको रोकना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से आज किस तरीके से प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने और इतने
आप मीडिया सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसके पहले भी हमने परमिशन मांगी थी, अभी भी परमिशन मांगी, परमिशन नहीं देते हैं और ये तानाशाह चलाते हैं बीजेपी की सरकार। हमें शांति प्रिय हमारा धरना प्रदर्शन था, आज जिस तरह से इसराइल मासूम बेकसूरों को मार रहा है, वहाँ खाना पीना बंद कर दिया है, लाइट, हर किस्म की जो ह्यूमन राइट्स है उसके खिलाफ वो वहाँ पे कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए शांति प्रिय तरीके से हाजिर थे, लेकिन आज हमें सरकार ने नहीं करने दिया और हम सबको डिटेन करके यहाँ पे कारंज पुलिस स्टेशन में लाया गया। इसराइल का समर्थन कर रहा है इंडिया, इंडिया इसराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन इंसानियत का समर्थन कौन करेगा? वहाँ जो रोज कत्लेआम हो रहा है, आतंकवादी घटना, जब मुसलमान खुद के हक के लिए बोलता है और लड़ता है तो उसको आतंकवाद किया जाता है, तो आज ये इजराइल कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं है। फाइट्स अगेंस्ट क्रिमिनल, डेली न्यूज़पेपर देखते रहिए। बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।